तो बहुत सारे लोगों की एंडोस्कोपी में हाइटस हर्निया या लैक्स एलवीएस लिखा हुआ आता है और उसके साथ एक ग्रेडिंग लिखी रहती है जिसमें मोस्ट कॉमनली हम हिल्स ग्रेड यूज करते हैं। लेकिन पेशेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि इस ग्रेड का क्या मतलब है और इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाए। हिल्स ग्रेडिंग देखने के लिए ओई जंक्शन यानी जो फूड पाइप और स्टमक का जंक्शन है उसे हम एंडोस्कोप के रिट्रोफ्लेक्स व्यू में देखते हैं, यानी कि एंडोस्कोप को स्टमक के अंदर ले जाकर उसे घुमाया जाता है, उल्टा किया जाता है और जिस रास्ते से वो स्टमक में एंटर कर रहा है यानी कि जो फूड पाइप और स्टमक का जंक्शन है उस रास्ते को स्कोप के टिप को घुमाकर स्कोप को देखा जाता है। ऐसा देखने से नॉर्मल पेशेंट में जिसे हम ग्रेड वन कहते हैं उसमें एक फोल्ड ऑफ टिश्यू दिखेगा जो बिल्कुल एंडोस्कोप के पास होगा जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और जो रास्ता है वो एंडोस्कोप को टाइटली स्नग कर रहा होगा यानी कि वो रास्ता एंडोस्कोप के अराउंड बिल्कुल टाइट होगा। ग्रेड टू में ये रास्ता थोड़ा लूज रहेगा, बीच बीच में खुलेगा लेकिन ये तुरंत ही वापस बंद हो जाएगा और जो फोल्ड हम ग्रेड वन में देख रहे थे वो पहले से लेस प्रोमिनेंट यानी पहले से कम उभरा हुआ होगा। ग्रेड थ्री में ये फोल्ड और कम होगा और रास्ता परमानेंटली लूज रहेगा, कुछ सेकंड देखने के बाद भी वो वापस टाइट नहीं होगा। ग्रेड फोर में ये रास्ता परमानेंटली ओपन होगा, फोल्ड बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा और इतना ओपन होगा कि हमें स्टमक से देखते हुए फूड पाइप के सेल्स भी नजर आएंगे, यानी कि इतना लूज हो गया है कि रिट्रोफ्लेक्स व्यू में हमें सिर्फ स्टमक के सेल्स ही नहीं अब दूर तक फूड पाइप के टिश्यू भी नजर आने लगते हैं। तो ये है हिल्स ग्रेडिंग फॉर हाइटस हर्निया या लैक्स एलवीएस और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट कैसी है। ग्रेड वन इज नॉर्मल, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। ग्रेड टू तक के पेशेंट्स यूजुअली विद लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन ठीक हो जाते हैं लेकिन जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है थ्री और फोर अगर ये पेशेंट बाकी सभी मेथड से ठीक नहीं फील कर रहे हैं तो इनमें सर्जरी काफी कारगर साबित हो सकती है और आपको इस प्रॉब्लम से एक परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है। थैंक यू।